में एक्टर विनोद खन्ना का निधन हो गया और वो हम सबको छोड़कर चले गए। एक समय ऐसा था जब हर लड़का 70s और 80s के दशक में इस हीरो की तरह लगना चाहता था। उनके बाल हो या उनके कपड़े, हर कोई उनके अंदाज और स्टाइल को कॉपी करना चाहता था। बतौर खलनायक अपने करियर का आगाज कर नायक के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में शोहरत की बुलंदियों तक पहुंचने वाले सदाबहार एक्टर विनोद खन्ना ने अपनी एक्टिंग से दर्शकों के बीच अपनी अमिट पहचान बनाई है। सब उनको एक हीरो की तरह जरूर देखते होंगे, लेकिन सबको ये नहीं पता होगा कि उन्होंने अपना करियर शुरू किया था एक विलेन के रूप में। सुनील दत्त उन दिनों अपनी फिल्म मन का मीत के लिए नए चेहरों की तलाश कर रहे थे। उन्होंने फिल्म में विनोद खन्ना से बतौर सहनायक काम करने की पेशकश की। विनोद खन्ना एक बिजनेस परिवार से संबंध रखते थे, इसलिए परिवार चाहता था कि विनोद अपनी पुश्तैनी बिजनेस को आगे बढ़ाएं। कहा जाता है कि जब विनोद खन्ना ने सुनील दत्त की तरफ से मेरे ऑफर के बारे में अपने पिता को बताया तो उन्होंने उन्हें केवल डांटा ही नहीं बल्कि उन पर बंदूक तान कर मारने की धमकी भी दी। लेकिन विनोद खन्ना की मां ने एक शर्त के साथ विनोद खन्ना को बॉलीवुड में एंट्री लेने की इजाज़त दे दी। शर्त ये थी कि फिल्म लाइन में 2 साल के अंदर सफल नहीं हुए तो बिजनेस संभालना होगा। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। विनोद खन्ना बॉलीवुड में घुसते ही हो गए सफल, क्योंकि मन का मीत फिल्म बॉक्स ऑफिस पर हिट हुई और विनोद खन्ना को आन मिलो सजना फिल्म का ऑफर भी मिल गया। और मेरा गांव मेरा देश, सच्चा झूठा जैसी फिल्मों में विनोद खन्ना को एक नेगेटिव रोल ऑफर किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडियन फिल्म हिस्ट्री। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज सब्सक्राइब इंडियन फिल्म हिस्ट्री।